चलो सही है। ओके और कोई डाउट है किसी को ये आई मीन क्विज फॉर्म में किसी क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन तो आज कर ही रहे हैं पैटर्न के अलावा, एनी अदर क्वेश्चन? भैया आपने हाफ पिरामिड हाफ इन्वर्टेड पिरामिड बोला था मतलब कि बनाने को, लेकिन ओके हाफ तो बन जाएगा, वो तो बना लेंगे, फुल कैसे करना है, फुल पिरामिड? फुल पिरामिड। ओके वो बेसिकली दो पिरामिड है इन्वर्टेड ऊपर नीचे, तो एक फॉर लूप के अंदर आ जाएगा। लेट्स सी अस ट्राई करते हैं, काफी सारे पैटर्न क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसा ये वाला ट्राई कर लेंगे आज। चलो स्टार्ट करते हैं पैटर्न से ही फिर। वन सेकंड। ओके पैटर्न क्वेश्चन करने से पहले वन थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर कि तुम एक मैट्रिक्स में उसे विजुलाइज कर लो। तो एक सेकंड, लेट मी ओपन गूगल शीट्स। ओके तो ये पैटर्न प्रिंट करते हैं पहले। पिरामिड, सबसे पहले पिरामिड ट्राई करते हैं। लेट्स से वी नीड टू प्रिंट पिरामिड, एंड पिरामिड कुछ ऐसा दिखता है। फर्स्ट लेट्स सी पिरामिड क्वेश्चन है कौन सा। पिरामिड पैटर्न कहाँ मेरे, ये नहीं सॉरी। ओके सो लेट्स सी हाफ पिरामिड कैसे प्रिंट करते हैं। सो बेसिकली हाफ पिरामिड दिखता कुछ ऐसा है। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है, मतलब यस भैया, फ्रंट विजिबल है ना, काफी छोटी होगी। ओके सो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक अपना वो डालता हूँ पिरामिड। यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक डाली नीचे, एक एस्ट्रिक 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 एस्ट्रिक। ओके सो लेट्स से मुझे ये वाली हाफ पिरामिड प्रिंट करनी है, राइट? तो इसको करने से पहले ऑल यू नीड टू डू इज इसका जो रोज एंड कॉलम्स है ना, बस तुम्हें उसका रिलेशन देखना है। सो सेकंड, हाँ 0 1 2 3 4, एंड यहाँ पे 0 1 2 3 4। ओके लेट्स से तुम्हें ये वाली पैटर्न प्रिंट करनी है जो मैंने भी हाईलाइट करा है, दिस वन। किस कलर से हाईलाइट करूँ, रेड करता हूँ, सादा डीप हो गया। ओके लेट्स से हमें ये वाली पैटर्न प्रिंट करनी है, राइट, जो मैंने एस्ट्रिक से देखा है। सो और बिफोर यू प्रिंट इट आउट, बिफोर तुम उसके एल्गोरिदम ट्राई करते हो, पहले ना ऐसे मेंशन कर देना देयर रोज एंड कॉलम्स, एंड नाउ तुम इजीली डेसिफर कर सकते हो क्वेश्चन एल्गोरिदम क्या करना है। पहले तो देख लो कहाँ कहाँ पे एस्ट्रिक है। सो एक पैटर्न दिख रहा है, ये जो पहला वाला स्क्वायर है जिसको मैंने अभी हाईलाइट करा है, फिर ये फिर ये फिर ये। नाउ दिस इज द लाइन जिसके ऊपर और कोई पैटर्न नहीं प्रिंट हो रहा, ये दिस इज द लिमिट। सो लिमिट में अगर कुछ कॉमन देख रहा है ना, तो ये देखो एस्ट्रिक में 0 एंड 0 पे है, सेकंड एस्ट्रिक जो लिमिट का लाइन है वो 1 है, एंड यहाँ पे भी 1 है, थर्ड में भी सेम है, देखो 2 एंड 2। सो जहाँ पे भी रो का वैल्यू और कॉलम का वैल्यू सेम हो रहा है, दैट इज वेयर वी नीड टू स्टॉप। सो इसी एल्गोरिथम पे हम पैटर्न ऐसे प्रिंट कर सकते हैं कि ओके ऑल्सो बिफोर प्रिंटिंग द पैटर्न, जितनी नंबर ऑफ रोज होते हैं ना तुम्हारी फिगर में, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इन द सेंस मैं ये बात कर रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5। सो इस पैटर्न में 5 रोज हैं, एंड कितने कॉलम्स हैं इज दिस पार्ट बी, सॉरी बी सी डी ई एंड एफ, राइट? तो 5 रोज हैं एंड 5 कॉलम्स हैं। जो नंबर ऑफ रोज होता है इट इज मेंशनड इन द आउटर लूप इन द ऑफ योर नेस्टेड फॉर लूप, एंड जो इनर लूप होता है वो इट हैंडल्स द नंबर ऑफ कॉलम्स। सो सिंस हमारे पैटर्न में 5 रोज हैं, राइट, 5 रोज एंड 5 कॉलम्स हैं, सो द आउटर लूप ऑफ द फॉर इज गोइंग टू हैंडल रोज, वो 5 तक रन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू I is equal to 1 and I less than equal to 5 and I plus plus। मैं पे 5 ले रहा हूँ because हमारे pattern में 5 rows हैं, right? And inner loop में I will mention number of columns। Int I is equal, sorry, j is equal to 1, j less than equal to 5। मैं 5 इसलिए ले रहा हूँ because you can see हमारे pattern में 5 questions, ये 5 columns हैं, ठीक है? सो आई विल मेंशन 5 रोज 5 कॉलम्स। नाउ इनसाइड फॉर लूप मुझे प्रिंट ये करना है, प्रिंट एफ एस्ट्रिक,
हम एस्ट्रिक से पैटर्न बना रहे हैं, और यू कैन प्रिंट एनी कैरेक्टर, हैशटैग्स भी बना सकते हो, यू कैन इवन यूज योर ओन लेटर्स एंड आफ्टर. ओके सो यहाँ पे देख सकते हो दिस इनर लूप, दिस इज गोइंग टू प्रिंट द नंबर ऑफ एस्ट्रिक्स इन अ पैटर्न इन अ पर्टिकुलर रो. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे इस रो में फर्स्ट रो में दो है, सेकेंड रो में तीन है, आफ्टर दैट वी नीड टू चेंज अ लाइन, राइट. सो इसीलिए आफ्टर ये जो इनर लूप खत्म होने के बाद आई एम यूजिंग दिस प्रिंट एफ बैकस्लैश एन, तो लाइन चेंज हो जाएगा. लेट्स सी. ओके इस पैटर्न से इस कोड से अभी एक रेक्टेंगल बनने वाला है, फिर इसमें एक चीज चेंज करेंगे एंड वो ट्रायंगल बनेगा. कुछ मिस करा मैंने, j++ हां छोड़ दिया. ओके लेट्स रन फंक्शन. प्रिंट कर रहा था ना, हाँ. ओके छोटा सा स्क्वायर बन गया, अच्छा छोटा हो गया. ओके सो बेसिकली लॉजिक ये है. नाउ जैसे इस क्वेश्चन में जब पिरामिड प्रिंट करने के लिए वी सॉ कि रोज एंड कॉलम्स जहाँ पे इक्वल हो रहे हैं उसके बाद आगे नहीं बढ़ना है, राइट. जैसे यहाँ पे 0 0 पे खत्म है, यहाँ पे 1 1 पे खत्म है, यहाँ पे 2 2 पे खत्म है. सो वी नीड टू कीप ट्रैक ऑफ दैट कंडीशन. फॉर दैट हम ऐसे कर सकते हैं, ये जो रो है ना, ये इनर वाला लूप ये प्रिंट कर रहा है पर्टिकुलरली यही एस्ट्रिक प्रिंट कर रहा है. सो यहाँ पे हम कंडीशन डाल देंगे जे लेस देन इक्वल टू आई. इससे होगा क्या कि जे लेस देन इक्वल टू आई मीन्स जब तक जे आई से लेस है तब तक एस्ट्रिक प्रिंट करो, राइट. उसके आगे प्रिंट नहीं करना. दैट इज वॉट वी सॉ इन दिस डायग्राम. यहाँ पे 2 2 था, 2 2 पे हमने प्रिंट किया, इसके आगे नहीं प्रिंट करना है, छोड़ दो. सो जस्ट By using this j less than equal to i, we can print a half pyramid. इसको रन करके देखते हैं. देखो अब ये हाफ पिरामिड हो गया. एक चीज हम ये चेंज कर सकते हैं. और नॉर्मली तुम्हारे एग्जाम है ना, क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि टेक अ इनपुट फ्रॉम यूजर, कितना विड्थ का रखना है एंड देन प्रिंट दैट हाफ पिरामिड. तो इसको कुछ ऐसे करना है. एंड नम मान लो मैंने साइज लिया, सॉरी एंड साइज इज इक्वल टू, मतलब खाली छोड़ दिया. आई विल टेक प्रिंट, आई मीन आई विल यूज अ इनपुट प्रॉम्प्ट. फॉर एग्जांपल ड्रॉ साइज फॉर पिरामिड एंड दैट वुड बी समथिंग जो इनपुट में आएगा एंड विल स्कैन इट एंड पुट इट इन साइज, राइट. फॉर एग्जांपल ओके एंड यहाँ पे मैं आई में साइज यूज करूंगा. सो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आई जाता है, ट्राई कर सकते हो. और यहाँ पे मैं साइज का इनपुट दूंगा समथिंग लाइक 30. तो देखो मेरा पैटर्न प्रिंट हो गया. यहाँ ये वाला तक सबको क्लियर है हाफ पिरामिड कैसे प्रिंट होता है. कहाँ गया मीटिंग ये रहा. ओके सो नाउ मैं क्वेश्चन कुछ ऐसा चेंज करता हूँ, इसका लॉजिक तुम्हें बताना है. सो मैं जितनी अंदर की ये है ना ये हटा दूंगा. सॉरी ये नहीं हटाना था. ओके नाउ टेल मी अब ये कैसा प्रिंट होगा. मैंने इसको हॉलो पिरामिड बना दिया, ठीक है. सिर्फ जो डायगनल है ये वाली वैल्यूज प्रिंट होंगी, लास्ट रो प्रिंट होगा और फर्स्ट कॉलम प्रिंट होगा. इसके अलावा बाकी अंदर से खाली रहनी है, कुछ हॉलो ऐसा हॉलो दिखना चाहिए. मैं एक और बना देता हूँ और थोड़ा बेटर दिखेगा. नहीं नहीं ठीक है ठीक है. 5x5 के लिए मुझे बता दो लॉजिक क्या चेंज करना पड़ेगा मेरे को. j is equals to 1, j is equal to is equal to i and j is equals to n, मतलब लास्ट वाला जो होगा j नहीं लास्ट वाला i हो जाएगा, रो है ना. ओके ट्राई करो. आई मीन देख i कंट्रोल करता है रो, so I should be equal to this value. अगर मैं j is equal to size लिखता हूँ तो वो ये वाला कॉलम होगा क्योंकि j कॉलम्स को रेफर करता है. अच्छा हाँ 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 ठीक है. और कोई लॉजिक लॉजिक तो वैसे ही है. j is हाँ हाँ j is less than i and j is greater than 1 as 0 जो भी आपने लिया हो. ओके अगर मैं वो कंडीशन करता हूँ जे इज ग्रेटर देन जीरो, तो तुम डायग्राम पे ड्रॉ सोच लो. जे इज ग्रेटर देन वन मतलब फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं प्रिंट होना है एंड आई विल
दूसरा कंडीशन है जे लेस देन आई, तो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी सारी कॉलम में एस्ट्रिक्स प्रिंट हो जाएंगी, बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ अंदर वाली खाली रहे और बाकी सब जगह प्रिंट हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ j less than i और मतलब j is equal to 0 नहीं, फिर मतलब n tabular space। अच्छा ठीक है, उसके वहां पे स्पेस और बाकी जगह एस्ट्रिक, ठीक है ये भी सही है। ओके तो चलो इसको ट्राई करते हैं। बेसिकली इसमें एक चीज देख सकते हो, जो जो डायगनल है ना जहाँ पे i इज इक्वल टू j हो रहा है वहाँ पे एस्ट्रिक प्रिंट हो रहा है, लास्ट रो में प्रिंट हो रहा है एंड फर्स्ट कॉलम में प्रिंट हो रहा है। सो उसको हम कंडीशन में डाल देंगे। सो द एंटायर जो प्रिंटिंग का फॉर्मेट होता है ना वो इस इनर लूप से ही कंट्रोल हो रहा है, लाइक इनर लूप ही बेसिकली प्रिंटिंग कर रहा है, आउटर लूप तो सिर्फ लाइन चेंज करने का काम कर रहा है, राइट। सो हमें लॉजिक में जितने भी चेंजेस करने हैं ना नॉर्मली वो इनर लूप में होता है। So within the inner loop we will check if i is equal to size। मैं इसलिए size ले रहा हूँ because the last column मतलब size की value अगर 30 होगी, in इस case में size की value 4 है, so if we are in the last row we will print it। और दूसरा condition क्या था, first column में भी print करना था, first columns को कौन control कर रहा है, j। So I will use the condition of j, if i is equal to size, I will use the logical or operator so that दोनों में से कोई भी condition true हो तो print हो जाना चाहिए। i is equal to size, j is equal to 0 and तीसरा condition था diagonal पे value print होनी चाहिए, so i is equal to j। Okay, now tell me one thing, इतना logic ना काम नहीं करने वाला क्योंकि जहाँ पे ये condition follow नहीं हो रही है हमें वो जगह पे खाली space छोड़नी है। So we also need to take care of that. So this is all the places where we want our asterisk printed. मैंने डाल दिया diagonal पे first column and last row. इसके अलावा बाकी सारी जगह खाली space छोड़नी है. So for that I will use printf blank space. Right. अब run करके देखते हैं. मैं value use करूँगा 30. पैटर्न देख लो बन गया। ओके सॉरी पहला कॉलम मिस हो गया है, जे इज इक्वल टू वन, सॉरी जे इज इक्वल टू वन होगा क्योंकि मैंने वन से काउंटिंग स्टार्ट करा है अपने लूप में। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो तो मैंने जीरो मेंशन करना पड़ेगा, मैंने वन से करा था। लेट्स सी, ओके सो दिस इज अ हॉलो पिरामिड ऐसे, राइट। जीरो जीरो पे प्रिंट करना है और आई इज इक्वल टू जे पे, ओके प्रिंट करना है अंटिल लास्ट लाइन, जिसको इफ स्टेटमेंट में लूप चला के पूरी लाइन प्रिंट कर देंगे। पूरी लाइन नहीं, आई मीन एक एक कैरेक्टर प्रिंट करना है, बट वो फॉर लूप में होगा तो वो वन बाय वन पूरी लाइन प्रिंट करेगा। तो इस पे ना मतलब न्यू इन्फिनिट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन हो सकता है पैटर्न पे, तो ये तुम खुद से ट्राई करना, अगर डाउट होती है तो मुझे बताइए। या अभी स्टार्ट करते हैं एरेज एंड पॉइंटर्स, आई फील वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में पूछी जाती है, मतलब मैंने तो दिया नहीं बट आई हैव हर्ड पीपल एम्फसाइजिंग ओवर इट। सो लेट्स सी, यहाँ तक सबको याद है ना, हमने लास्ट क्लास फंक्शन तक डिस्कस करा था, देर इज समथिंग कॉल्ड थिंग कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप, लाइक जैसे हम वेरिएबल्स यूज करते हैं तो कहीं पे उसको डिक्लेयर भी करते हैं, लाइक फर्दर इन द प्रोग्राम वी आर गोना यूज इट। सो सिमिलरली इफ यू आर यूजिंग अ फंक्शन यू हैव टू राइट समथिंग कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप विच टेल्स द कंपाइलर दैट समवेयर इन द प्रोग्राम वी आर गोना डिफाइन दिस फंक्शन एंड यूज इट मोस्ट प्रोबेबली। सो दैट इज नोन एज अ फंक्शन प्रोटोटाइप, एंड देन टू डिफाइन अ फंक्शन सेम फंक्शन प्रोटोटाइप को लिखो एंड देन विद इन करली ब्रैकेट्स राइट व्हाट योर फंक्शन इज गोना डू। सो जब ये फंक्शन यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी राइट अ डेमो फंक्शन, इसको करो क्लियर, आई विल यूज लेट्स सी आई वांट टू राइट अ फंक्शन दैट प्रिंट्स द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। सो आई एम गोना इंक्लूड stdio.h एज यूजुअल, दैट इज अ स्टैंडर्ड हेडर फाइल फॉर इनपुट आउटपुट। आई डिक्लेयर अ मेन फंक्शन, एक नंबर मैं प्री डिफाइंड इनपुट ले लेता हूँ 10 एंड आई एम गोना यूज आई मीन डिक्लेयर अ वेरिएबल इन फैक्ट जो मेरी फैक्टोरियल स्टोर करेगा। नाउ आई एम नॉट गोना कैलकुलेट द फैक्टोरियल हियर, मैं उसे फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करवाऊंगा एंड उसमें मैं n की वैल्यू पास करूंगा।
So this factorial should, so whenever I call this function called factorial, it should return me the factorial of the number जो मैं इसमें pass करने वाला हूँ. And just so you guys remember, the एक reminder के हिसाब से बोल रहा हूँ, this line is known as function calling, जहाँ से तुम अपनी function को execute करवाओगे. If you don't do not write this function, and even if your function exists in the program, वो execute नहीं होने वाला, right? You have to call it from the main function या कहीं से भी. Now, to syntax होता है function declare करने का. Before using it, you need to tell the compiler that you are gonna use it. You need to declare it. Now that line is known as function prototype. तो मैं यहाँ पे उसको define करूँगा. I mean declare करूँगा. Let's say it's going to return me an integer value, जो कि मेरी factorial होगी. Then followed by the name of the function, जो कि factorial ही है. And इसमें int, एक int value वो लेने वाला है, right? जिस number का factorial calculate करना है. So let's define our function. Int n value accept करेगा. int highlight क्यों नहीं हो रहा? Anyways, int f is equal to 1. मैं 1 से initialize कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने 0 से कर रहा है, factorial is n into n minus 1 into n minus 2. अगर एक 0 आ जाएगा, तो पूरा value 0 हो जाएगा, right? उसलिए मैं 1 से initialize कर रहा हूँ उसको. Now all I need to do is loop from 1 to the number n, जिसकी हमें factorial calculate करनी है. And in every step, I will multiply that value of i into f. इसमें मेरा factorial calculate हो जाएगा, and I will return f. So this is how you define a function, right? इसको run करके देखते हैं, चल भी रहा या नहीं. बड़ी सी value आनी चाहिए. Okay, I hope मैं print नहीं कर रहा हूँ. Print f percent d and I use fact. तो इस program को लिखने का मेरा point ये था. I want to give you this theory about something called formal parameters and actual parameters. And now this is an important thing, okay? Actual parameter is basically the list of the parameters in the function call. I just mentioned this line is known as function calling. ठीक है, तो यहाँ पे and parameter is parameter also known as argument is the variable जो हम function में pass कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे इस case में मैंने n pass करा है, right? So this is called my argument. And जिस ये argument line जो कि मैंने function calling के साथ लिखा है, ठीक है, the argument which is passed in the function call is known as formal para actual parameter. Sorry, it is called actual parameter. And जिस variable इसको receive कर रहा है, right? इसका variable, जिस variable पे ये actual parameter की value receive हो रही है, that is known as the formal parameter. And it is present in the function signature. So, जैसे इस line को function prototype बोलते हैं, जहाँ पे हमने इसको define करा है, I mean declare करा है बस, कि ये use होने वाला है, that line is known as function prototype. और इस line को function signature बोलते हैं, जहाँ पे मतलब जिस line के साथ function का definition attached होता है, that is known as function signature. अब वहाँ पे हम अपनी argument लिखते हैं int n, जो कि इस past value को store करने वाला है in our function. Now this variable is known as the formal parameter. Now do not get confused with this terms. Formal parameter is basically जो तुम्हारे function signature में present रहता है, and actual parameter is something that is present in your function call. I hope, just give me a quick confirmation, this concept is clear with you. What is formal parameter and what is actual parameter? Yes, we are, it's clear. Okay, so एक demo example, sorry demo example sounds wrong, मैंने लिखा तो था, हाँ, just look at this program, visible है सबको? अब visible होनी चाहिए, ठीक है? Now just tell me इसमें formal parameters कौन-कौन सी हैं और actual parameters कौन सी हैं? Actual parameters n1, n2, n3 and formal are a, b, c. Okay, great. सबको क्लियर है विच इज फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर? अगर नहीं तो टाइप कर दो, मैं फिर से बोलूंगा, क्योंकि दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स सारी कंसेप्ट में आगे प्रोग्रामिंग में ये यूज होगा मोस्ट प्रोबेबली. उस प्रोग्राम का आउटपुट क्या था? कौन सी प्रोग्राम का? ये जो अभी आपने दिखाया था, ये बस मैक्सिमम रिटर्न करता है.
ओके सॉरी मैक्स नहीं है, मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा लिखा था ए बी सी फैक्टोरियल को ही चेंज कर आई गेस। वन है और मतलब वन टू ना वन का फैक्टोरियल नहीं है। मैंने फैक्टोरियल प्रोग्राम में ही वैल्यूज चेंज कर दिया। ओके सो बेसिकली फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर आई विल डिफाइन इट अगेन। ठीक है कहाँ गया सेशन गिरा। सो यहाँ पे देखो मैंने एक ये फैक्टोरियल प्रोग्राम था जिसको हमने अभी राइट करा था। ठीक है तो इसमें देखो मैंने यहाँ लाइन से मेंशन करा है दिस पैरामीटर जो कि फंक्शन सिग्नेचर आई मीन जहाँ पे फंक्शन डिफाइन हुआ है वहाँ पे जो तुमने आर्ग्यूमेंट यूज करा ना दैट इज नोन एज द फॉर्मल पैरामीटर एंड द आर्ग्यूमेंट विच यू आर यूजिंग इन ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल दैट इज नोन एज एक्चुअल पैरामीटर जिसको मैंने लाइन से हाईलाइट करने की कोशिश करी है बट आई विल प्रोग्राम में एक और बताता हूँ। सो व्हेन यू आर यूजिंग अ प्रोग्राम आई मीन व्हेन यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम उसमें नॉर्मली हम फंक्शन यूज करते हैं टू गिव इट अ स्ट्रक्चर। ठीक है तो ओके वन सेकंड ये वही प्रोग्राम है ना। हाँ सो ड्यूरिंग द फंक्शन आई मीन वाइल ड्यूरिंग द फंक्शन डेफिनेशन दो चीजें होती है वंस इज द फंक्शन डेफिनेशन जहाँ पे तुम्हारी फंक्शन की बॉडी प्रेजेंट है कि वो कर क्या रहा है एंड एक और पॉइंट होता है जहाँ पे तुम फंक्शन को कॉल करते हो राइट। ड्यूरिंग फंक्शन कॉल जो जो वैल्यू तुम उसमें पास कर रहे हो द आर्ग्यूमेंट दैट इज नोन एज द एक्चुअल पैरामीटर द वैल्यू विच इज पास ड्यूरिंग फंक्शन कॉल इज नोन एज द एक्चुअल पैरामीटर एंड उसको एक वैल्यू रिसीव कर रहा है इस वेरिएबल में n जैसे यहाँ पे तुमने n पास करा तो n की वैल्यू आके int यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। ठीक है now, ये वेरिएबल जो उसको रिसीव कर रहा है इज नोन एज द फॉर्मल पैरामीटर राइट। एंड ये लाइन को जो फंक्शन के स्टार्टिंग का पहला लाइन होता है जिसमें फंक्शन का रिटर्न टाइप दैट इज int फंक्शन का नेम दैट इज फैक्टोरियल एंड इस आर्ग्यूमेंट की लिस्ट होती है दिस लाइन इज नोन एज द फंक्शन सिग्नेचर। सो द पैरामीटर लिस्ट विच इज प्रेजेंट इनसाइड योर फंक्शन सिग्नेचर इज नोन एज द फॉर्मल पैरामीटर। यहाँ पर मैं एक और मेंशन कर देता हूँ फॉर्मल पैरामीटर एंड दिस लाइन आई मीन दिस वेरिएबल विच यू आर पासिंग इन टू द फंक्शन ड्यूरिंग फंक्शन कॉल यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं दैट इज नोन एज एक्चुअल पैरामीटर। सो किसको डाउट था इस पे जूम इन करूं आई होप अब क्लियर हो। सो I'll tell, repeat once again, the variable that you are passing during function call, जो कि जैसे यहाँ पे function call हो रहा है, that is known as the actual parameter and the value that you pass while defining the function, that is the function signature, that part is known as formal parameter, उस argument list को. So, किसको doubt था? Okay, जिसको भी doubt था, एक बार अब मुझे इसकी answer बताओ. यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर कौन सी है एंड एक्चुअल पैरामीटर कौन सी है इस प्रोग्राम में? 20 सेकंड्स बस नेम बता दो वेरिएबल का। फॉर्मल n1 n2 n3 नहीं देख फॉर्मल कैसे हो सकता है यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ राइट। हियर आई एम कॉलिंग द फंक्शन यहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन नहीं की यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ कॉलिंग के साथ मैं n1 n2 n3 पास कर रहा हूँ सो दे आर द एक्चुअल पैरामीटर एंड दिस इज वेयर आई एम एक्चुअली डिफाइनिंग द फंक्शन एंड यहाँ पे आई एम यूजिंग ए बी सी। सो ए बी सी हियर इज द फॉर्मल पैरामीटर n1 n2 n3 these are the actual parameters abc formal abc formal n1 n2 n3 actual okay. I hope ye concepts sabko clear hai and let's move on to the next program. acha ha ye bhai thi pattern printing okay is pattern ko last mein print karte hain isme 5 10 minutes lagega bhaiya ha doubt tha वो एक क्वेश्चन था जिसमें a इक्वल टू 5 था और परसेंटेज डी था उसमें किस ऑर्डर में प्रिंट होएगा कौन सा क्विज में था हाँ a इक्वल टू 5
शायद ऊपर था ये हाँ ओके. जब तुम ये प्रोग्राम ट्राई करते हो तो विद इन प्रिंट एफ जो वेरिएबल्स है ना, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ए प्लस 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 ए एंड हेलो ए प्लस प्लस, सो ये राइट टू लेफ्ट होगा. इसका मतलब कैलकुलेशन राइट टू लेफ्ट होगा एंड देन प्रिंट तो उसी ऑर्डर में होगा जिस ऑर्डर में इसके परसेंटेज डीज है. पहले ये ए प्लस प्लस का वैल्यू, फिर प्लस प्लस ए, फिर ए प्लस प्लस. बट कैलकुलेट करने के लिए राइट टू लेफ्ट करना. प्रिंट का ऑर्डर तो उसी ऑर्डर में होगा जैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर गिवन है. अच्छा, तो इसमें प्रेसिडेंस का कुछ काम नहीं होता? देख ये ना एक एरिथमेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक आर्ग्यूमेंट लिस्ट है. जैसे हमने अभी यहाँ पे ऐसे यूज करा था ना इंट फैक्टोरियल, हमने यहाँ पे फैक्टोरियल कॉल करा एंड वी पास द वैल्यू एन. तो अगर मैं इसमें और तीन चार वैल्यू पास कर दूँ ए बी सी, ये एक एक्सप्रेशन तो नहीं बन जाएगा ना, ये आर्ग्यूमेंट्स का लिस्ट है जो मैं फंक्शन में पास कर रहा हूँ, राइट. तो इसमें वो प्रेसिडेंस आता ही नहीं है क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट है. दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बॉड मास या बीम डैश मतलब कोई रूल फॉलो होगा. ये जस्ट राइट टू लेफ्ट मतलब ये कंपाइलर पे डिपेंड करते हैं. सो द कंपाइलर दैट वी आर यूजिंग जी प्लस प्लस सॉरी जी सी सी, वो राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट करते हैं. सो दैट इज व्हाई ये कैलकुलेशन राइट टू लेफ्ट हो रहा है एंड देन इट इज प्रिंटिंग द वैल्यू जिस ऑर्डर में हो. तो इसका आंसर क्या आएगा फाइनल? इसका आंसर ये था 7 8 10. ओके okay. ठीक है, क्योंकि देख ए प्लस प्लस ये वैल्यू यहाँ पे पास हो रहा था हेलो में एंड इट वाज बिकमिंग ए प्लस 5. सो वो तो 10 हो जाएगा डायरेक्टली क्योंकि ये था ए प्लस प्लस. सो दैट इज यू नो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर. तो फर्स्ट ए की वैल्यू पास हो गई, ओरिजिनल वैल्यू जो 5 थी वो प्लस 5 होके वापस आ गया 10 एंड देन ए की वैल्यू 6 हो जाएगी बिकॉज हमने पोस्ट ऑपरेटर यूज करा है. सो आफ्टर द टास्क इज डन इट विल इंक्रीज इट्स वैल्यू. फिर प्लस प्लस ए है एंड देन ए प्लस प्लस तो नॉर्मल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है. सो फाइनल आंसर 7 8 10 आएगी. देन ओके आज एरे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, पैटर्न में काफी टाइम निकल गया. सो बेसिकली गाइस एरे इज अ लिस्ट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा. ठीक है, जैसे व्हाट एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑल ऑफ द सेम टाइप एक्सेस्ड यूजिंग अ कॉमन नेम. सो लाइक जैसे व्हेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड यू प्रिंट इट्स वैल्यू, इट बेसिकली प्रिंट्स आउट द यू नो सेम वैल्यू जो इस वेरिएबल में है. बट व्हेन यू यूज एन एरे उसमें तुम सबस्क्रिप्ट्स यूज कर सकते हो. सबस्क्रिप्ट्स इन द सेंस लेट्स सी व्हाट आर सबस्क्रिप्ट्स. So first of all, you need to define an array, and you need to give the size of an array with its definition. Now, okay, एक सेकेंड, मैंने किस ऑर्डर में लिखा था. ठीक है, so these are the properties of the array. एक what you have is the size of the array. Now there is something called a zero based indexing. It means array में जो पहला value होता है, उसकी जो वो होता है ना serial number. या फिर कैसे बोल उसका जो काउंटिंग होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, नॉट फ्रॉम वन. सो इफ यू वांट टू प्रिंट द एलिमेंट्स इनसाइड योर एरे, यू हैव टू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम जीरो, राइट. जो नॉर्मली वन से नहीं होता है, मतलब कंप्यूटर में तुम ज्यादातर चीज जीरो बेस्ड इंडेक्स से देखोगे. एंड देर इज समथिंग कॉल्ड मेमरी एलोकेशन इज कंटिन्यूस एंड एलिमेंट एट इंडेक्स जीरो इज द बेस एड्रेस. लेट्स सी व्हाट दैट means. Okay, before that एक हमें पता होना चाहिए the syntax of using an array. Now this is how you define or declare an array. To declare an array, तुम्हारे पास एक तुम्हें you need to mention its data type followed by the name of the variable, I mean the array or whatever variable name you want to give it, and then within square brackets you need to mention कितनी elements hold करनी वाली है. How many elements your array is going to hold? So let's see how to do that. Isi syntax order mein, let's define an array, right? For example, main ek array banaunga jiski size let's say main 5 rakhna chahta hu. So my array is going to hold 5 elements. Now what are the different stuff that I need to know to define an array? Syntax mein dekhte hain. First of all, you need a data type, you need a name, and you need the size of the array. Or the number of elements. So I want to define an integer type array. I will write int. Then I will use something called the name of the variable, matlab array,
और द वेरिएबल फॉर द एरे, ठीक है, मैं ए आर आर रखूंगा. नाउ विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आई नीड टू मेंशन कितनी एलिमेंट्स होल्ड करने वाले हैं. आई विल राइट साइज, जो कि मैंने ऊपर 5 डिक्लेयर कर दिया. सो राइट नाउ माय एरे इज होल्डिंग गार्बेज वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें कोई वैल्यू डाली नहीं है अभी. एंड इफ आई रन इट यू विल सी कोई एरर आएगा नहीं, हमारी एरे डिफाइन हो गई, सिर्फ डिक्लेयर हुई है. नाउ how do you print all the values of an array? For example, int I is equal to 0 se start karunga because I just said array is a zero based indexing element. ठीक है, तो like every element inside the array is going to be indexed from 0, तो counting 0 से start होगी. That is why I'm starting my loop from I is equal to 0 and I will go up to size. ओके, सिंस इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट हो रही है एंड हमारे एरे में 5 एलिमेंट्स हैं, तो काउंटिंग फ्रॉम जीरो इट शुड गो अप टू 4 बिकॉज 0, 1, 2, 3, 4 आर 5 एलिमेंट्स. तो हमें 5 तक नहीं जाना, यू विल एक्चुअली गो टिल साइज माइनस 1, राइट. इसलिए मैंने ये कंडीशन डाली है, आई लेस देन साइज एंड विद फॉलोड बाय दैट मैं आई प्लस प्लस लिखूंगा बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रिंट ऑल द वैल्यूज. लेट्स से मैं अभी वैल्यू प्रिंट करूंगा परसेंटेज डी बिकॉज मेरी arrays of type int and now this is what is known as a subscript. यहाँ पे मैंने variable का नाम डाला जिस नाम मैंने array को दिया था, it is arr and within square brackets you need to give a value कि तुम्हें कौन सी element of that array print करनी है. This thing is called subscript. The value which you give within square brackets is known as the subscript. तो subscript में तुम जो value डालोगे ना वो array की particularly वही element print करेगा. Since मैं सारी elements print करना चाहता हूँ तो मैं arr of i लिख दिया and i की value 0 से size तक fluctuate करने वाली है, loop करने वाली है, right? So let's print that out. And you will see some garbage values. देखो random values print हुई है जो हमने कभी डाला नहीं था कभी. सो वेन यू डिफाइन डिफाइन एन एरे एंड उसमें तुमने कोई वैल्यू डाला नहीं है, एट दैट पॉइंट इज गोइंग टू प्रिंट गार्बेज वैल्यूज. सो टू अवॉइड दैट यू नीड टू डू समथिंग कॉल्ड डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन. लेट्स सी हाउ टू डू दैट. तो डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन के लिए तुम्हें साइज ऑफ द एरे तो पता होना ही चाहिए, बट वो मेंशन करना जरूरी भी नहीं है. ऐसे साइज हटा दूंगा एंड आई विल डायरेक्टली गिव इट सम वैल्यूज. ठीक है, अपने डिफाइन कर दिया तो इसमें तो ऑलरेडी 5 एलिमेंट्स हैं, तो लाइक कंपाइलर को साइज पता ही चल जाता है, तो तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली और ऐसे साइज नहीं लिखना पड़ेगा. यू कैन अवॉइड दैट एंड मैंने डायरेक्टली उसे वैल्यूज दे दिया. नाउ लेट्स सी आउटपुट क्या आता है. मैंने आई हैव डिफाइंड एन एरे ARR एंड मैंने उसमें 5 वैल्यू डाल दी एंड वी जस्ट प्रिंटेड दैट आउट. सो बेसिकली दैट इज हाउ यू डिफाइन एंड प्रिंट द वैल्यूज ऑफ एन एरे. अभी एक और क्वेश्चन ये हो सकता है, लेट्स से तुम्हें क्वेश्चन दिया है, यू नीड टू डिफाइन एन एरे बट उसकी सारी वैल्यूज यू हैव टू टेक इट एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर. टू डू दैट मैंने सिंपल एरे डिफाइन करूंगा एंड अब मेरे पास इसके अंदर गार्बेज वैल्यूज का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनपुट तो यूजर देने वाला है, तो गार्बेज वैल्यूज वैसे भी हट जाएंगे. नाउ लेट्स सी हाउ टू बी, मतलब उसके एड्रेस कैसे पास करते हैं स्कैन एफ में. नाउ यू कैन सी मैंने एरे को इंटीजर टाइप डिक्लेयर करा है, तो इनपुट भी मैं इंटीजर का लूंगा परसेंटेज डी एंड आई विल गिव इट द एड्रेस ऑफ ARR और जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पे मैं उसको ऐड करना चाहता हूँ. इन दैट केस आई, बिकॉज आई जीरो से लेके लास्ट तक जाने वाला है, सो विल जस्ट टेक इट एज एन इनपुट एंड डंप इट इन ARR ऑफ आई. और कुछ एक वो भी दे देते हैं वरना बहुत कोई प्रॉम्प्ट ही नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा करना क्या. ड्रॉप एन इंटीजर प्लस ओके, और इसके साथ मैं उसको प्रिंट भी कर दूंगा बाद में, पता तो चले वैल्यू प्रिंट मतलब एक्सेप्ट हो के कुछ हो भी रहा या नहीं. सो फॉर दैट आई विल यूज प्रिंट एफ परसेंटेज डी and I'll print out the values of i. Let's see if it works. My one done, then I'll add 6, I'll add 8, I'll add 9, I'll add random values. देखो, print हो गया ना सारा.
सो यहाँ पे मुझे फाइव डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं बनाना पड़ रहा टू स्टोर फाइव डिफरेंट वैल्यूज. इंस्टेड व्हाट आई हैव इज वन एरे विच स्टोर्स ऑल दैट फाइव वैल्यूज एंड मैं उन सबको एक्सेस कर सकता हूँ बाई यूजिंग सब्सक्रिप्ट्स. आई होप एरे क्या होता है एंड कैसे डिफाइन करना है दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आई होप मैं ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड में नहीं बोल रहा मैं. अगर i की वैल्यू 1 इनिशियलाइज करी है तो अगर i की वैल्यू 1 पे इनिशियलाइज करते हो देन तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट नहीं होगा. और इसमें दूसरा एरर ये आएगा अगर तुमने i की वैल्यू लेट्स से यहाँ पे मैं i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करता हूँ सो ऑब्वियसली तुम लेस देन साइज तक नहीं आई लेस देन इक्वल टू साइज तक जाओगे क्योंकि साइज मतलब एरे तो फाइव एलिमेंट्स होल्ड कर रहा है. अगर मैं जीरो से काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो फोर पे मेरी काउंट फाइव हो जाएगी. बट यू सेड कि लेट्स स्टार्ट विद वन सो मेरी काउंट फाइव होगी एट आई इज इक्वल टू फाइव. बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम ही आएगा एरे इंटरनली इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है तो एरे का जो लास्ट एलिमेंट है उसकी इंडेक्स फोर होगी राइट. यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया था फॉर एग्जाम्पल हियर लेट्स से ये हमारी एरे है इट हैज फाइव एलिमेंट्स 10 माइनस 50 100 0 एंड 9999. तो इसमें फाइव एलिमेंट्स हैं 10 का इंडेक्स 0 है माइनस 50 का इंडेक्स 1 है यहाँ पे 2 3 एंड 4. बट सिंस हमने काउंटिंग 1 से स्टार्ट करा हमने आई को 1 से इनिशलाइज करा देन इसकी काउंट जाएगी आई इज इक्वल टू 5 तक. बट एज वी जस्ट सॉ इसका तो इंडेक्स 4 है लास्ट एलिमेंट का. बट वी विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट समथिंग एक ऐसा इंडेक्स जो एग्जिस्ट नहीं करता आई इज इक्वल टू 5. सो दैट विल गिव यू एन एरर नोन एज लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. रन करके देखते हैं एरर आता है या नहीं आता. देखो पहला चार एलिमेंट तो बहुत अच्छे से इनपुट ले लेगा बिकॉज दैट विल बी 1, 2, 3 एंड 4 इन चारों का हो जाएगा. बट नाउ द फोर्थ एलिमेंट जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा दिस विल गिव मी एन एरर बिकॉज ये स्टोर होने वाला है एट एरे ऑफ 5 ऐसा एड्रेस जो एग्जिस्ट ही नहीं करता. लेट्स सी क्या एरर आएगा. देखो ओके एरर नहीं आया एक रैंडम वैल्यू प्रिंट हो गया ठीक है. एंड ये इसलिए हो रहा है बिकॉज इससे पहले जब हमने एरे को सिर्फ डिक्लेयर करके प्रिंट करा था देखा था ना गार्बेज वैल्यू आया था. सो यहाँ पे तो मैंने एरे डिफाइन कर दी थी पहले से एंड मैंने आई को 1 से इनिशियलाइज करा उसको छोड़ के बाकी हर जगह पे हमने इनपुट कर दिया एरे ऑफ जीरो तो फिर खाली रह गया. दैट्स व्हाई दिस एरर केम अप दिस समथिंग नोन एज 5014 एक रैंडम गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो गई. और ये एरर यहाँ पे भी आ सकता था अगर मैं यहाँ पे 1 करता एंड इसको लेस देन इक्वल टू साइज करता देन आई वुड हैव प्रिंटेड दैट आउट. कुछ तो एरर आनी चाहिए. प्रिंट कैसे हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5 ओके ये वर्क कर रहा है. 1 सेकंड मैंने 6 डाला भी था. ओके आई होप योर डाउट इज क्लियर्ड. ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग एरे डिक्लेरेशन तो हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे. ओके नाउ लेट्स से तुम्हारे पास एक एरे है जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ इंट ए आर आर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने 3 मिस करा है सॉरी. नाउ लेट्स से मुझे इस एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करना है. मुझे पता है 6 है बट कभी कभी तुम्हारे पास एक फंक्शन गिवन होगी एंड यू डोंट नो कि लाइक उस फंक्शन में तुमने एरे को एज एन इनपुट लिया है बट यू वांट टू फाइंड आउट कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं क्योंकि लाइक ऐसा तो कोई चीज़ है नहीं कि मैंने ए आर आर डॉट लेंथ या कुछ लिख दूंगा मुझे उसकी साइज मिल जाएगी. आई नीड टू कैलकुलेट इट. सो हाउ टू डू दैट नाउ फॉर दैट वी यूज समथिंग कॉल्ड साइज ऑफ ऑपरेटर. फॉर एग्जाम्पल देर इज समथिंग कॉल्ड एज साइज ऑफ ऑपरेटर जो मेरे को जिस वेरिएबल को तुम साइज ऑफ में पास करोगे वो वेरिएबल टोटल कितनी मेमोरी रिजर्व करके रखा है कंप्यूटर में उसकी आउटपुट देती है.
For example, I want to print out the size of this array arr. So this is of type int and iske paas hai 6 elements. So int ki memory size hoti hai 4. That means ye arr 6 into 4, 24 bytes capture kar raha hai memory ka. Now let's verify that if it is true. मैं प्रिंट करूंगा परसेंटेज डी एंड आई विल यूज साइज ऑफ एआरआर. इफ आई प्रिंट इट आउट आई शुड गेट समथिंग कॉल्ड 24. वन सेकंड, प्रिंट हो जाएगा 4 प्रिंट हुआ. ओके लॉन्ग, आई डोंट नो व्हाई दिस एरर केम अप. वन सेकंड भैया. हां हां, आपने वो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया एरर के बाद. अच्छा सॉरी यार, मैं क्या कर रहा हूँ. अच्छा हाँ, सिर्फ एक इंटीजर प्रिंट कर रहा था वो, एक इंटीजर का साइज. सो नाउ वी नो कि बाय यूजिंग एआर साइज ऑफ एआरआर वी कैन फाइंड आउट द टोटल मेमोरी कैप यू नो बीइंग रिजर्व्ड बाय दिस एरे. एंड और मुझे क्या जानना है कि एरे की साइज कितनी है, उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं. सो अभी कुछ लॉजिक दिख रहा है, बाय यूजिंग साइज ऑफ एआरआर आई कैन गेट द टोटल मेमोरी बीइंग स्टोर्ड बाय इट एंड हर एक का साइज इज एग्जैक्टली द साइज ऑफ डेटा टाइप इंट. सो आई कैन गेट आईएनटी साइज बाय यूजिंग समथिंग नोन एज साइज ऑफ एआरआर. डालूंगा इसका वैल्यू 24 आएगा एंड आई विल डिवाइड इट बाय size of each individual element, I will use arr of 0. So इससे होगा क्या, मैंने size of arr से मुझे मिलेगा पूरे array का size and एक individual element के size से मुझे divide कर दूंगा simple unitary method and उससे मुझे मिल जाएगा size of, I mean total number of elements inside the array. उसको print कर देते हैं. Let's check that out. 6. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब तुम्हारे पास साइज गिवन नहीं होता. ये वन ऑफ द मेथड्स, आई मीन दिस इज द ओनली मेथड, और अदरवाइज यू कैन पास द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज अ आर्ग्यूमेंट. किसको डाउट है इसमें रिगार्डिंग साइज कैलकुलेशन? लूप स्टार्ट हो गया मतलब. आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. लूप स्टार्ट हो गया, मैं लास्ट सेशन अटेंड नहीं कर पाया था. ओके सो लूप का एक बार तुम ट्राई करना. बुक तुमने बुक लिया ना, लेट अस सी. अगर डाउट होती है यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी, मैं एक और बता दूंगा. ठीक है, क्योंकि लूप अभी फिर से बताऊंगा तो आई कैन गिव यू अ ओवरव्यू लूप कैसे काम करता है. जैसे इफ आई वांट टू प्रिंट आउट ऑल द वैल्यूज ऑफ ए आर आर आई कैन डू इंट आई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है. सो लूप फॉर लूप के अंदर तुम्हें तीन वैल्यूज देनी होती है. इनिशियलाइजर जहाँ से तुम्हारी लूप की काउंटिंग स्टार्ट होगी, विथ दैट यू नीड टू गिव कब तक तुम्हारी लूप रन होने वाली है, दैट कंडीशन. दिस कंडीशन शुड ऑलवेज बी ट्रू अंटिल द लूप, जब तक तुमने लूप एग्जीक्यूट करना है, वाइल योर लूप शुड रन. तो यहाँ पे मैं लेस देन साइज रन कर रहा हूँ क्योंकि बाय दैट टाइम इट इज लेस देन साइज, तब तक लूप चलनी चाहिए. इसके आगे तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी, आई डोंट वॉन्ट दैट. एंड तीसरी वैल्यू जो तुम्हें फॉर लूप में देना होता है इज योर स्टेप, किस स्टेप में यू वॉन्ट, आई मीन आफ्टर एवरी आइट्रेशन हाउ मच शुड योर यू नो द लूप कंट्रोल वेरिएबल आई शुड इंक्रीज और डिक्रीज. इन माई केस आई एम यूजिंग प्लस वन क्योंकि मुझे सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है. नाउ विद इन दैट लूप के बॉडी के अंदर तुम्हें जो प्रिंट करना होता है या जो भी काम करना होता है, यू कैन डू दैट, डू इट. जो बेसिकली वो चीज करना होता है जो तुम्हें एंड नंबर ऑफ टाइम्स करना है. मुझे एंड नंबर ऑफ टाइम्स एरे की साइज वो प्रिंट करनी है एलिमेंट, तो मैं सीधा सीधा arr ऑफ i प्रिंट करूंगा. नाउ आई एम यूजिंग टाइपिंग i हियर बिकॉज़ i मेरी लूप कंट्रोल वेरिएबल है. इसी का वैल्यू 0 से लेके साइज तक वैरी करेगा. सो दैट सिंपल लूप इतना ही है. और दो तीन टाइप्स के लूप होते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल. एक बार इस पे थ्योरी देखना, अगर डाउट होता है आस्क मी.
ठीक है ओके। आज सेशन काफी मोनोटोनस हो रहा है, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। सो हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, तुम्हें वी जस्ट सॉ हाउ टू टेक एन इनपुट राइट, एरे में इनपुट कैसे लेते हैं। सो नाउ योर क्वेश्चन इज, तुम्हें एक एरे डिक्लेयर करना ऑफ साइज 5, इट शुड बी ऑफ लॉन्ग टाइप। मैंने int यूज करा था, तुम्हें लॉन्ग यूज करना है। एंड यू हैव टू टेक 5 इनपुट्स फ्रॉम यूजर, स्टोर इट इन योर एरे एंड उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करो। कैन यू ट्राई इट और सी कम? ओके आई विल गिव यू 2 मिनट्स, ट्राई कर लो। और इसके बाद एक और सिंपल सा क्वेश्चन, ओके इसके बाद पॉइंटर्स है। अगर तुम एक नॉर्मली रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर पाते हो ना, तुम्हारे मिड टर्म में लाइक आई गेस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा तो कोडिंग का तो आएगा नहीं, बट आउटपुट क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें क्वेश्चन दे देंगे एंड यू हैव टू प्रिंट आउट द आउटपुट। सो एरेज का आ सकता है काफी, ट्राई कर लो रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करना है। स्टेप माइनस वन कर दो, ओके दैट्स ग्रेट। स्टेप माइनस वन एंड आई को इनिशियलाइज कहाँ से करोगे? अगर मैंने जीरो से इनिशियलाइज करा और स्टेप माइनस वन करा तो वो तो नेगेटिव में चले जाएगा, एंड सी लैंग्वेज डज नॉट हैव नेगेटिव इंडेक्सिंग। ट्राई करो, यू हैव 2 मिनट्स। अगर अगर लूप को 5 से स्टार्ट करके 1 तक ले जाए और जो सेकंड एरे है उसमें 5 मतलब 1 स्टोर करके उसमें लाइक एरे का इंडेक्स 1 में फर्स्ट एरे का 5th स्टोर कर दें तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर आएगी या इन केस ऑफ सी गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ओके सो यहाँ पे मेरी एरे है, मैंने एरे को इनपुट लेके देखता हूँ। ओके व्हाट क्वेश्चन क्या था, वन सेक। एरे ऑफ लॉन्ग टाइप, 5 इंटीजर्स एक्सेप्ट करने, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। सो दिस इज हाउ यू डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिफाइन योर एरे, आई मीन डिक्लेयर योर एरे। ओके एंड मेरी एरे इज गोइंग टू बी ऑफ टाइप लॉन्ग, आई विल नेम इट ARR एज यूजुअल, छोटा सा नाम है, बार बार लिखना पड़ता है। लॉन्ग ARR ऑफ टाइप 5, 5 एलिमेंट्स का इनपुट लूंगा। नाउ लेट्स टेक दैट इनपुट, एक्सेप्ट फ्रॉम यूजर फॉर ITR इज इक्वल टू 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस। ओके वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि जब तुम एरे तुम्हारी लॉन्ग या कोई भी डेटा टाइप का हो, यू डू नॉट नीड टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ योर फॉर लूप, वो इंट ही रहेगा। इंट या फिर तुम लॉन्ग भी ले सकते हो, मर्जी है, बट इट डज नॉट डिपेंड, द डेटा टाइप ऑफ योर लूप डज नॉट डिपेंड अपॉन द डेटा टाइप ऑफ योर एरे, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो टेक दैट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। एंड सो फॉर नाउ लेट्स टेक द इनपुट, कुछ एक प्रॉम्प्ट प्रिंट करते हैं। ड्रॉप एन इंटीजर एज यूजुअल, drop an integer plus and scan it and store it in the particular address of the array, which is going to be address of ARR of I. Sorry, यहाँ पे percentage d नहीं होगा, here I have declared my array of type long, so I'm going to use ld, long integer. अब इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, दिस इज द ट्रिक, प्रिंट इन रिवर्स ऑर्डर। सो आई एम गोइंग टू इनिशियलाइज इट विद int I इज इक्वल टू 4। नाउ वी ऑलरेडी नो हमारा जो एरे है उसमें इंडेक्सेस है 0 1 2 3 4 एंड उसी ऑर्डर में इनपुट्स गिवन है। नाउ इसको हम उल्टा प्रिंट करेंगे, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम I इज इक्वल टू 4, कंडीशन में दूंगा I ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि 0 इज द लास्ट इंडेक्स, मतलब नॉर्मली एरे का फर्स्ट इंडेक्स 0 है, बट सिंस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम
टूवर्ड्स द लास्ट मैं जीरो तक आना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू द नेगेटिव रीजन, तो मैं आई की कंडीशन डालूंगा टर्मिनेटिंग कंडीशन व्हाइल आई ग्रेटर देन जीरो, जब तक आई की वैल्यू जीरो एंड इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू, बिकॉज लास्ट एलिमेंट जीरो पे है, सो आई विल ट्राई टू गो फ्रॉम फोर टू जीरो और इससे आगे मुझे लूप ब्रेक करना है, राइट, माइनस माइनस, सो ये इस लूप में अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ आई की वैल्यू 4, 3, 2, 1, 0 एंड उसके बाद लूप ब्रेक हो जाएगा क्योंकि मेरी टर्मिनेटिंग कंडीशन है आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. नाउ ऑल आई हैव टू डू विद इन दिस लूप इज प्रिंट द वैल्यू, सो इट्स गोइंग टू बी एल डी बिकॉज माई एरे इज लॉन्ग डेटा टाइप वाला एंड यप आई एम गोइंग टू प्रिंट एरे ऑफ इट. ओके एंड यू माइट आस्क कि मैंने यहाँ पे भी इंट आई रखा है, यहाँ पे भी मैं इंट आई रख रहा हूँ, कुछ कन्फ्लिक्ट होगा? नहीं होगा, बिकॉज देर इज समथिंग कॉल्ड स्कोप ऑफ द वेरिएबल जो हमने पहले डिस्कस करा है. सिंस हमने इस इंट आई को मैंने फॉर लूप के अंदर डिफाइन करा है तो इसका जो एग्जिस्टेंस है ना विद इन दिस कर्ली ब्रैकेट रहेगा. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ आई तो ये एरर जनरेट करेगा बिकॉज ये i जो है इसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ विद इन दिस कर्ली ब्रैकेट है, इसके बाहर अगर मैं ये लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ एलिमेंट डज नॉट, दिस वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट वाले एरर आएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट यूज्ड एनीवेयर. सो इस i का जो मतलब एग्जिस्टेंस इसी के अंदर है और ये जो दूसरा i है इसका एग्जिस्टेंस इसके अंदर है तो कोई एरर नहीं आने वाला, ऑल्दो आई एम यूजिंग द सेम नेम. एंड नाउ लेट्स प्रिंट that out and okay मैंने cross दबाया क्या, let's run it. ये slow चल रहा है, एक second. control c उसको मैं अपने program पे run करता हूँ. नहीं यार ये अच्छा question था, रन करो कंट्रोल ए वी फंक्शन F11 स्टोर्ड एनीवेयर. आई होप दिस इज विजिबल, इसमें फंड थोड़ी छोटी है, जूम इन भी नहीं हो सकता, बट मैं सिर्फ वैल्यूज इनपुट कर रहा हूँ. इनपुट 5, 4, 3, 2 एंड 1 अभी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया एंड द आउटपुट इज 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, दैट इज हाउ यू रिवर्स अ एरे. और इसके साथ तुम यार क्या है, अटक ही क्या है. ओके नाउ अभी नॉट ओनली दैट यू कैन आल्सो यूज इट ऑन कैरेक्टर एरेज एंड इंटीजर एरेज, फ्लोट की एरेज, सब कुछ सारे का किसी पे ट्राई करके देखना. कोई डाउट है इसमें? लोकल वेरिएबल की वजह से, लोकल वेरिएबल कहाँ पे, कौन सा लोकल वेरिएबल? आई, यस हाँ लोकल वेरिएबल है वहां का. I is equal to 5 करके I is greater than 0 भी तो कर सकते हैं. हाँ वो कर सकते हैं लेकिन उसमें वो जो 5 है ना ARR of 5 वो इंडेक्स कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि एरे के अंदर काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है. सो द एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन 0 से लेके 4 तक. अगर मैं 5 करता हूँ कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी. ओके ओके सॉरी. जैसे मैं यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ, मैंने 0 से लेके 5 में अपना यहाँ पे स्टोर कर दिया वेरिएबल्स एरे के अंदर और इसको मैं 5 से इनिशियलाइज करूंगा एंड आई विल गो अप टू 1, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. नाउ लेट्स रन दिस. अब मैं डालूंगा 5, 4 सेम इनपुट अगेन. देखो पहला वैल्यू 0 प्रिंट हुआ है, मैंने 0 कहीं पे इनपुट नहीं करा था. आई हैड गिवन 5, 4, 3, 2, 1 आउटपुट आया 0, 1, 2, 3, 4. मेरा 5 छूट गया उसके जगह 0 आया. So this is the error that you will face. इसको runtime error, ये basically logical error है. कोई error नहीं create करता, but the output that you were expecting वो नहीं आया. इस चीज को logical error बोलते हैं. Because हमने indexing 1 पे start करा था. ठीक है? और no भैया किस चीज का? Doubt नहीं है भैया उसके. अच्छा अच्छा, okay. So pointer start करने? ठीक है. हाँ 7:10 भी हो गया. थैंक यू भैया.
ओके कोई डाउट है तो पूछो, या फिर क्या कोई डाउट है? आप एक नहीं, क्वेश्चन मैं कह डिस्कस रहा कर रहे थे। हाँ हाँ अच्छा, आपको क्वेश्चन डिस्कस करना था पिरामिड हाँ पूछ लो पूछ लो, वाला। सेशन तो खत्म हो गया। अगर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, मैं और 15-20 मिनट्स डाउट क्लियर कर लेते हैं, नेक्स्ट सेशन में पॉइंटर से स्टार्ट करेंगे।